नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आज मैं आप लोगों को एडोबी पेज मेकर 7.0 के अंदर एडवांस डिज़ाइन ट्यूटोरियल बताऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि देखिए इस तरह का जब बैकग्राउंड आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए ब्लू कलर है प्लस हल्का सा मैरून है, उसके बाद देखिए नीचे में रेड है प्लस बॉर्डर देखिए येल्लो और वाइट में आपको दिख रहा हो, तो इस तरह खूबसूरत सा एक बैकग्राउंड कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह का आप खूबसूरत बैकग्राउंड कैसे बनाएंगे। प्लस यहाँ पे टेक्स्ट अगर आप देख रहे हैं ध्यान से, तो टेक्स्ट के पीछे देखिए शैडो इफेक्ट भी दिया हुआ है। ध्यान से देखिए शैडो इफेक्ट, इसे मैं जरा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे मैं राइट क्लिक किया और उसे मैं 200% करता हूँ। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो देखिए एडवांस जो लिखा है उसके पीछे आपको हल्का सा टेक्स्ट का शैडो भी दिखाई दे रहा होगा। देखिए ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर शैडो भी दिखाई दे रहा है पीछे टेक्स्ट के पीछे। अगर ध्यान से देखते हैं तो एक ब्लैक रंग का आपको जो पेज मेकर लिखा है उसके ठीक पीछे देखिए शैडो भी दिया हुआ है यहाँ पर देखिए। तो इस तरह आप शैडो के साथ साथ देखिए, यहाँ पे इसके पीछे मेरा जो नाम लिखा हुआ है उसके पीछे आपको शैडो दिख रहा है। प्लस आपको बैकग्राउंड देखिए ध्यान से, देखिए कितना खूबसूरत सा बैकग्राउंड देखिए। प्लस यहाँ पे देखिए बॉर्डर देखिए ध्यान से, बॉर्डर भी दिया हुआ है। तो इस तरह का एक खूबसूरत सा बॉर्डर के साथ साथ इस तरह का टेक्स्ट अगर आपको लिखना है तो क्या करेंगे, तो ये तो इसके लिए एक नॉर्मल सा सॉफ्टवेयर पेज मेकर के साथ साथ एक और सॉफ्टवेयर चाहिए, और वो सॉफ्टवेयर का नाम है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो कि हर कंप्यूटर हर लैपटॉप में अवेलेबल रहता ही है, ऑफिस पैकेज है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 का इस्तेमाल किया है मैंने, साथ में आपको पेज मेकर भी चाहिए, तो दोनों को ओपन कर लें। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन किया मैंने, और यहाँ पे देखिए ये जो पेज मेकर है, यहाँ तो आप लोगों ने देखा एक नॉर्मल सा पेज पहले से मैंने ले रखा है, ब्लैंक पेज देखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एडोबी पेज मेकर को ओपन करना है, नॉर्मल सा एक पेज लेना है। लेने के बाद आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को भी साथ में ओपन करके रखिए। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 आप लेटेस्ट वर्जन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो खुला हुआ है, आपको क्या करना है, यहाँ सबसे पहले आपको एक बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए होम, उसके बाद इंसर्ट, इंसर्ट का टैब पे क्लिक कीजिए। करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इलस्ट्रेशन का ग्रुप, जैसे इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे अलग अलग ग्रुप्स आपको शो करेगा। यहाँ देखिए इलस्ट्रेशन का ग्रुप दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए शेप्स, शेप्स पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे देखिए बहुत सारा शेप आपको दिखाई दे रहा है। तो नॉर्मल से एक रिसेंटली यूज शेप ये बॉक्स आपको लेना होगा, पूरा का पूरा इस पेज में इस तरह का आप एक बॉक्स ड्रॉ कर दीजिए, नीचे तक जहाँ तक पेज है पूरा का पूरा इसे इस तरह आप एक बॉक्स ड्रॉ कर दीजिए। जैसे ही बॉक्स ड्रॉ करेंगे तो फॉर्मेट का ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, ये फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाएगा इस तरह, पहले नहीं था, आ जाएगा जब आप बॉक्स लेंगे तो। उसके बाद या छोटा सा ये बॉक्स आप क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद फॉर्मेट में यहाँ पे सेफ स्टाइल में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए सेफ फिल दिया हुआ है, एक ऑप्शन है फॉर्मेट के अंदर ही सेफ फिल, इसके डाउन बटन पे क्लिक कीजिए। करने के बाद थोड़ा सा नीचे आइए, नीचे आने के बाद नो फिल मोर कलर्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए पैटर्न दिया हुआ, फिर ग्रेडियंट, यहाँ पे ग्रेडियंट पिक्चर के बाद ठीक ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट के सब मेनू में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा आपको कलर दिखाई देगा, यहाँ पे मोर ग्रेडियंट्स पे आपको क्लिक करना होगा, सबसे नीचे क्लिक कर दीजिए। करने के साथ फिल इफेक्ट का इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आपके पास उभर कर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए ग्रेडियंट में दिया वन कलर टू कलर्स, अगर टू कलर्स करेंगे तो यहाँ पर दो कलर का इस तरह का ग्रेडियंट फिल हो जाएगा। तो उसके बाद प्रीसेट में भी देखिए अर्ली सनसेट है, यहाँ भी बहुत सारा आपको यहाँ पर डिज़ाइन इस तरह मिल जाएगा, कलर मिल जाएगा। तो बेस्ट है टू कलर से आप खुद ब खुद क्रिएट कर लीजिए कलर, यहाँ पे मैंने एक रेड कलर ले लिया और यहाँ पे थोड़ा सा येलो ले लूँगा, तो दोनों जो मिक्स होने के बाद अलग सा खूबसूरत सा एक इस तरह का कलर तैयार हो जाता है, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे शेडिंग स्टाइल वर्टिकल जैसा आपको लेना है, डायगोनल डाउन सेंटर जैसा आपको करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैंने अभी फ़िलहाल हॉरिजेंटल ले रखा है। उसके बाद ओके पे आप क्लिक कर दीजिए। ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं जूम करके छोटा कर देता हूँ ताकि आप इसे देख पाएँ अच्छी तरह से। ये देखिए नॉर्मल से इस तरह का पेज आ जाएगा, देखिए ध्यान से इस तरह का पेज आपका आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपल है, अब इस पेज को ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुला हुआ है इसे थोड़ा सा आप ऊपर राइट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पर तीन बटन दिखाई देगा, ये जो रीस्टोर बटन है इस पर क्लिक कर दीजिए, तो थोड़ा सा पेज आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो खुला हुआ है, अब पीछे तो मैंने खोल के रखा हुआ है देखिए एडोबी पेज मेकर। तो आपको क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो पेज इस तरह का देखिए रिस्टोर किया हुआ है, इसके जो इस पेज पे
आपको क्लिक करना है, उसे ड्रैग करते हुए अपने पेज पे लाके रख देना है, एडोबी पेज मेकर के अंदर रख देना है। ये मैंने रख दिया, देखिए इस तरह का देख सकते हैं, पीछे आ गया। सिंपल है, कुछ नहीं करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को थोड़ा रिस्टोर करना है, ड्रैग करके आप इसे ये जो बैग बॉक्स बनाया था आपने, और तो इस तरह का देखिए पीछे एडोबी पेज मेकर के अंदर ये वाला देखिए बॉक्स इस तरह आ गया। उसके बाद आप इस पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर दीजिए, ये मैंने मिनिमाइज़ कर दिया। उसके बाद ये जो बॉक्स है पेज के साथ साथ रखिए इस तरह, और इस बॉक्स को सेम टू सेम अपने पेज पे एडजस्ट कर लीजिए ये हैंड टूल के माध्यम से। मैं थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करता हूँ, उसके बाद पिक टूल पे क्लिक किया, ये पेज मेकर के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए अब खूबसूरत सा एक बैकग्राउंड यहाँ पे आ गया। ध्यान से देखिए बैकग्राउंड यहाँ पे कितनी खूबसूरत सा बैकग्राउंड यहाँ तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है, अब थोड़ा सा इसका आउटलाइन देना है, इसका बॉर्डर देना है। तो बॉर्डर देने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अडोबी पेज मेकर में खुला हुआ है, यहाँ अलग अलग देखिए मेनू दिखाई दे रहा है, यहाँ एलिमेंट में जाइए, स्ट्रोक में जाइए। जाने के बाद यहाँ पे देखिए स्ट्रोक के सामने बहुत खूबसूरत सा ये देखिए 6 पॉइंट लिया मैंने, और नॉर्मल सा लेने के बाद पहले तो आपको ये करना है, सॉरी सबसे पहले आप टूल बॉक्स में जाइए, ये जो बॉक्स है रेक्टेंगल बॉक्स जो है जिससे हम लोग बॉक्स तैयार करते हैं, रेक्टेंगल बॉक्स स्क्वायर बॉक्स तैयार करते हैं, तो इस टूल्स में जाके इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, एलिमेंट में जाना है, स्ट्रोक में जाना है, उसके बाद यहाँ से आपको एक पतला सा ये जो 6 पॉइंट का ये जो स्ट्रोक दिया है आउटलाइन, इस पर क्लिक करना है और अपने पेज पे इस तरह ड्रैग कर दीजिए, एकदम खूबसूरत सा इस तरह ड्रैग कर दीजिए। आप चाहें तो थोड़ा सा अंदर गए इस तरह देखिए, खूबसूरत सा देखिए इसका बॉर्डर यहाँ पे आ गया, देखिए ध्यान से। आप चाहें तो इस बॉर्डर को कलर भी कर सकते हैं, तो कलर पैलेट में जाइए और ये स्टाइल के नीचे ये वाला जो बटन दिया हुआ है लाइन के लिए, स्ट्रोक के लिए, इस पर क्लिक कर दीजिए और ब्लू कलर पे क्लिक कर दीजिए। देखिए खूबसूरत से एक ब्लू कलर का बॉर्डर यहाँ पे तैयार हो गया। अगेन फिर आपको क्या करना है, फिर एक और बॉर्डर लेना है पतला सा, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए बॉक्स में, उसके बाद एलिमेंट में जाइए, स्ट्रोक में जाइए, उसके बाद दूसरा कोई लाइन लेना है तो आप ले सकते हैं यहाँ से, यहाँ पे ये वाला लाइन ले लिया, और कलर यहाँ पे आप दूसरा कोई सा भी कलर ले लीजिए, ब्लैक ग्रीन जो भी आपको अच्छा लगे, यहाँ से क्लिक करके आप ये मैजेंटा येल्लो जो भी लेना है आपको, यहाँ से आप इसे इस तरह ड्रैग कर दीजिए, ये देखिए फिर एक बॉर्डर यहाँ पे अलग सा खूबसूरत सा बॉर्डर यहाँ पे तैयार हो गया। थोड़ा सा कलर इसको अगर वाइट कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये वाइट कर दिया, देखिए इस तरह खूबसूरत सा एक बॉर्डर इस तरह तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसे आप मैं थोड़ा सा इसे अंदर कर देता हूँ, ये देखिए एक खूबसूरत सा बॉर्डर भी हो गया साथ में। आप चाहें तो इसे कलर भी कर सकते हैं, ब्लैक का चाहें तो ब्लैक कर सकते हैं, ब्लैक ज़्यादा अच्छा लग रहा है, देखिए ध्यान से। तो आउटलाइन को या बॉर्डर को स्ट्रोक को कलर करने के लिए उस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद कलर पैलेट में जाइए, उसके बाद ये जो स्टाइल के ठीक नीचे बटन है ये वाला, ये बॉर्डर के लिए लाइन के लिए इस पर क्लिक करके फिर आपको कलर चूज़ करना होगा। ये तो बॉर्डर हो गया। अब मान लीजिए मुझे शैडो वाला टेक्स्ट लिखना है, तो क्या करेंगे, नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट टूल पे क्लिक करेंगे और जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है, जैसे कि हम लोग टेक्स्ट ब्लॉक सेलेक्ट करते हैं, आप सेलेक्ट कर लीजिए इस तरह बॉक्स। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा साइज इसका यहाँ से बड़ा कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थैंक्स फॉर वॉचिंग लिख देता हूँ, ये मैंने लिख दिया थैंक्स फॉर वॉचिंग लिख दिया। इसे थोड़ा सा साइज में सिलेक्ट करके इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, और थोड़ा सा बड़ा समझ 48 कर दिया। अब इसे थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, आप चाहें तो कोई भी स्टाइल ले सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। इसे थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, ये देखिए अभी भी थोड़ा सा स्पेस इसका, ये देखिए थोड़ा साइज़ ज़्यादा बड़ा हो गया, पेज से बाहर चला जा रहा है। तो टेक्स्ट टूल पे क्लिक कीजिए और इसे सिलेक्ट करते हैं, तो 48 है, इसे मैं 45 सिलेक्ट करके इसे 45 कर देता हूँ, इंटर प्रेस कर दिया, 45 हो गया। अब आपको क्या करना है, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से देखिए टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, अब इसका आपको पिक टूल पे क्लिक करना है और टेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ एडिट में जाइए, कॉपी कर दीजिए, उसके बाद इसे पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट हो गया। तो ऊपर वाला जो टेक्स्ट है उसे आपको क्या करना है, जो ऊपर रखना है उसे आपको वाइट करना है, वाइट कलर का। तो टेक्स्ट टूल पे क्लिक कीजिए और इस टेक्स्ट को ऐसे सिलेक्ट कीजिए, ये देखिए मैंने टेक्स्ट को टेक्स्ट टूल से सिलेक्ट किया। उसके बाद आपको क्या करना है, कलर पैलेट पे जाना है, जाने के बाद यहाँ देखिए पेपर कलर है, ध्यान से देखिए पेपर कलर, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद फिर अगेन पिक टूल पे क्लिक कीजिए, बाहर क्लिक कीजिए, उसके बाद इसे थोड़ा मूव कीजिए, देखिए ये देखिए वाइट यहाँ पे कलर आ गया, देखिए ध्यान से। उसके बाद अपने कीबोर्ड पे, आप कीबोर्ड पे एरो की है देखिए, एरो का निशान होगा, उससे आप इसे लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ इसे, ताकि आप अच्छी तरह से देख पाएँ इसे, ये देखिए देखिए खूबसूरत सा, देखिए ये पीछे देखिए आपको शैडो यहाँ पे टेक्स्ट के पीछे देखिए शैडो आ गया, देखिए ध्यान से देखिए आप, और थोड़ा सा छोटा करता हूँ, बहुत बड़ा हो गया,
ये राइट क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे, उसके बाद एक्चुअल साइज़ कर देता हूँ। देखिए अभी भी आपको दिखाई दे रहा है, थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह आप, और उसके बाद दोनों को आप इस तरह पिक टूल पे क्लिक कर दीजिए, और दोनों को इस तरह बाहर से इस तरह ड्रैग कीजिए, इस तरह सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद एलिमेंट में जाइए, इसे ग्रुप कर दीजिए ताकि ये दोनों साथ में रहेगा। उसके बाद यहाँ पुट कर दीजिए, देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। ये देखिए थैंक्स फॉर वॉचिंग लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इस तरह आप खूबसूरत सा इस तरह टेक्स्ट टेक्स्ट लिख सकते हैं, पिक्चर दे सकते हैं, और भी टेक्स्ट खूबसूरत सा लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं यहाँ पे एक अगेन एरिया सेलेक्ट करता हूँ, मैं अपना नाम लिख देता हूँ, लिख दिया। उसके बाद टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, 36 कर दिया। उसके बाद यहाँ से इटैलिक फॉन्ट में चूज़ कर दिया। अब देखिए ये वाला टेक्स्ट मैंने लिखा है, ये देखिए। अब इसे क्या करना है, पिक टूल पे क्लिक करके एडिट में जाइए, इसे कॉपी कीजिए, एडिट में जाके इसे पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट हो गया। अब इसको कलर थोड़ा सा आपको वाइट करना होगा, शैडो के लिए वाइट कर देते हैं। इसे सेलेक्ट किया मैंने टेक्स्ट को टेक्स्ट टूल से। उसके बाद यहाँ पे कलर पैलेट में जाइए, जाने के बाद ये पेपर कलर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद पिक टूल पर क्लिक कर दीजिए, फिर बाहर क्लिक कीजिए, उसके बाद थोड़ा सा इसे मूव कीजिए, उसके बाद टेक्स्ट को ऊपर ला के इसके ऊपर रख दीजिए। ये देखिए कितना, देखिए खूबसूरत सा, देखिए शैडो के साथ साथ मैं नाम लिखा हुआ आ गया, कितना खूबसूरत सा लग रहा है। ऐसे मैं थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आप देखिए, ये देखिए देखिए कितना सुंदर लग रहा है, देख सकते हैं आप। उसके बाद इसे मैं थोड़ा सा 200% कर दिया, देखिए। अब देखिए ध्यान से देखिए, देखिए थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लस साथ में देखिए नीचे का कलर देखिए ध्यान से, ये देखिए, ये देखिए थैंक्स फॉर वॉचिंग यहाँ दिखाई दे रहा, गौतम कुमार लिखा हुआ मेरा नाम, प्लस इसके पीछे आपको टेक्स्ट का शेडो भी दिख रहा। तो इस तरह आप खूबसूरत सा जो आपको अच्छा लगे बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ये ट्यूटोरियल आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, नहीं अच्छा लगा तो कम से कम डिसलाइक कीजिए। और भी कुछ जानना चाहते हैं एडोबी पेज मेकर से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो रिक्वेस्ट है उस रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा। और मेरा ये ट्यूटोरियल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।